अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर को 47 साल पूरे हुए। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता। मुझे पता चला हेलो ऐप से। देखिए ये है हेलो ऐप। जैसे ही हेलो ऐप आप डाउनलोड करते हैं आपको ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलता है, जिसमें आपकी सभी ट्रेंडिंग न्यूज़, वीडियोज़, आर्टिकल मिलेंगे, जिससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हैं। तो खुद को अपडेट करने के लिए अभी डाउनलोड करें हेलो ऐप। टपोरी बहु। लीला को बचपन से ही पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती और मोहल्ले की चौराहे पर गप्पे लगाती बड़ी हुई। अरे माँ, आप उनको थोड़ा खाना देना, बोले तो भूख लग रही है। अरे शर्म कर, और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? तुझे कितनी बार बोला है कि अपनी बोली पर लगाम लगा। अरे देख माँ, बिना बात के दिमाग की मगजमारी नहीं करने का, जितना तेरे को बोला ना बस उतना ही करने का क्या? तभी लीला के पिता और भाई वहाँ आ जाते हैं। अरे इसकी शादी करवा दो, जब सास के दो डंडे पड़ेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस टपोरी से शादी करेगा कौन? तभी लीला की मौसी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आती है, जहाँ लीला की शादी धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन, अरे लीला कहाँ है? बहू रानी जरा हमें भी अपने सुंदर मुखड़े का दीदार करा दे। लीला ऊटपटांग ढंग से साड़ी पहनकर आती है। ए अपुन, क्या तेरे को ताजमहल दिख रहा है जो दीदार करेगी? सास तो लीला की बात सुनकर हैरान रह जाती है कि तभी आस पड़ोस की औरतें लीला के ससुराल आ जाती हैं। इतनी सारी औरतों को देखकर सास कहती है, अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे शोभा बहन, क्या तुम ही बहू के दीदार करोगी? हमें भी तो नई बहू की मुंह दिखाई करनी है। सास बेचारी क्या बोलती, क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही औरतें लीला की तरफ बढ़ती हैं, ए एक एक करके आने का, वो क्या है ना अपन को गर्मी बहुत लगती है, और क्या लेकर आई हो दिखाओ जरा। लीला की बात सुनकर सभी हैरान सी रह जाती हैं। वो बहू के माता पिता ने लड़का और लड़की में कभी फर्क नहीं रखा, तो बहू थोड़ी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा न मानना शोभा बहन, तो तू भी अपने लड़के की विदाई कर देती। ये सुनकर सभी हंसने लगती है। लीला को समझते देर नहीं लगती कि उसकी सास की बेइज्जती हो रही है। अच्छा अच्छा चलो अब ठीक है, अब क्या है ना तुम सारे इस घर में घुस तो गए हो, तो कुछ ठूस के ही जाओ, बोले तो खा पी कर। रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ किचन से जुगाड़ करती हूँ। लीला किचन में जाती है और एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर सभी के सामने रख देती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है, वाह किसने बनाया? ओ अपनी माधुरी दीक्षित है ना, वो बना कर गए लिए। पड़ोसन हैरानी से देखती है। क्या माधुरी दीक्षित? अरे अपुन गया था ना किचन में, तो अपुन ही बनाएगा ना। वैसे तुम लोग दिमाग लगाइच क्यों रहे हो रे? ढोकला खाओ ना, मेरी सास का फेवरेट है। सास ढोकला खाती है और खुश हो जाती है। अरे लीला, मैंने तो जिंदगी में कभी इतना अच्छा ढोकला नहीं खाया, और ये जलेबी कितनी रसीली है, ऐसी तो हलवाई भी नहीं बना सकता। लीला तुझे कैसे पता कि मुझे ढोकला पसंद है? वो तू अपुन के पति की माँ है ना, तो तेरे को क्या अच्छा लगेगा ये जानना बनता है ना बिड़ू। लीला की सास लीला की बात से खुश हो जाती है कि तभी एक पड़ोसन लीला की सास से कहती है, खाना भले ही अच्छा बना लेती है तुम्हारी बहू, लेकिन एक बात तो ये है कि ना तो बात करने की तमीज है और ना ही कपड़े पहनने की, तेरी तो किस्मत ही खराब है शोभा। लीला पड़ोसन की बात सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से जाने लगती है कि उसकी सास पड़ोसन से कहती है, अरे ललिता बहन, तुम्हारी बहू कितना अच्छा बोलती है, और क्या क्या बोलती है तुम्हारे बारे में, मुंह ना खुलवाओ मेरा। और जहाँ तक सवाल है मेरी बहू की बोली का और कपड़े का, तो वो तो बदले भी जा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं। मेरी बहू जैसी भी है,
बहुत संस्कारी है। फिर लीला की तरफ देखकर कहती हैं, क्यों बिड़ू, सही बोला ना अपुन ने।